मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुंदरकांड भजन कीर्तन में सबसे ज़्यादा बजाया जाने वाला एक कैरवा ताल का प्रकार बता रहा हूँ। इसको आप बड़ी सरलता से भजन कीर्तन में, सुंदरकांड में, भजन संध्या में आसानी से बजा सकते हैं। दोस्तों मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप इसको बड़ी सरलता से सीख पाएँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको इस पैटर्न के साथ एक उठान बताऊँगा जो कि सबसे ज़्यादा फेमस उठान है कैरवा ताल का। कैरवा ताल में सबसे ज़्यादा इसी उठान का यूज़ करते हैं। मैं भी इसको ही सबसे ज़्यादा बजाता हूँ और जो उठान मैं आपको आज बताने वाला हूँ पैटर्न है। फिर लास्ट में मैं आपको एक तिहाई बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा शुरू से लेकर आखिर तक इसको वॉच करें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। आप स्किप कर करके देखेंगे तो जो मैं टेक्निक आपको बताऊँगा बीच में, जो निकास है, बोल को कैसे निकालना है ताकि आप उसको स्लो स्पीड में, मीडियम स्पीड में, फास्ट स्पीड में बड़ी सरलता से बजा सकें, तो वो टेक्निक आप अगर स्किप करके देखेंगे तो आप उसको मिस कर देंगे, फिर आप उसको सीख नहीं पाएंगे। सिर्फ बोल लिखने से कुछ नहीं होगा, बोलों को बजाने का तरीका भी आना चाहिए। निकास, तबले में निकास, निकास मतलब बोल को निकालने का तरीका मेन होता है। टेक्निक, कैसे बजेगा। अगर बोल निकालने का तरीका ही नहीं आता तो फिर वो बोल किसी काम का ही नहीं है, आप उसका क्या करेंगे। अगर आपको उसको बजाना नहीं आता तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। बोल को बजाने का तरीका मैं बहुत आसान तरीके से और करेक्ट तरीका आपको बताने वाला हूँ। हम बेस का यूज कैसे करेंगे, चाटी का कैसे करेंगे, शुरुआत से बताऊंगा क्योंकि कई लोग नए आएंगे तो हो सकता है उनको बिल्कुल भी ना पता हो। तो मैं इस तरीके से बताने वाला हूं कि इसको सभी लोग सीख सकते हैं। जिनको तबला बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वो इससे सीख जाएंगे, क्योंकि मैं शुरुआत से बताऊँगा ता कैसे बजाना है, बेस कैसे बजाना है, उठान कैसे बजानी है। तो आप वीडियो में बने रहें और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जो सीखने वाले हैं, जो तबले में इंटरेस्टेड हैं, म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस वीडियोस के समय समय पर मिल जाएं। चलिए फ्रेंड्स, इस लेसन को सीखते हैं और सबसे पहले मैं आपको उठान बताऊँगा। कहरवा ताल का उठान है और बहुत पॉपुलर उठान है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप इसके बोल लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। तिट्टे ताता, तिट्टे ताता, तिट्टे ताता, धाधा पैटर्न। तेटे ताता, तेटे ताता, तेटे ताता, ताता के बाद एक मात्रा रुकना है। तेटे ताता धाधा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों बोल लिख दिए हैं, उठान के भी, पैटर्न के भी और तिहाई के भी मैंने बोल लिख दिए हैं, आप उनको नोट कर लीजिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, आप इस वीडियो को पूरा देखें। बोलों को निकालने का तरीका भी तो आना चाहिए कि बोल को कैसे बजाना है, कि बेस कैसे यूज करेंगे, चाटी में कैसे बजे। फ्रेंड्स, तेटे बजाने के लिए सबसे पहले ये देखिए, ये स्याही होती है, ये स्याही है, ये किनार है और स्याही और किनार के बीच में जो ये पार्ट है इसको मैदान बोलते हैं। फर्स्ट फिंगर से स्याही के बीच में बंद करना है, ये साउंड बंद करना है। ते, फर्स्ट फिंगर से बंद कर दिया हमने ते, और ये दो फिंगर्स मिलाकर ते, तो बोल है ते ते ताता। ताता कैसे बजाएंगे, ये फिंगर हमारा स्याही के बॉर्डर पर रहेगा, मिडल फिंगर उठा रहेगा फर्स्ट फिंगर से किनार पर ता, तो बोल है टे टे ता ता, टे टे ता ता, लगातार बजाना है टे टे ता ता, टे टे ता ता, टे टे ता ता। ताता के बाद थोड़ा सा रुकना है टे टे ता ता, जो लास्ट में टे टे ता ता, टे टे ता ता, टे टे ता ता, धा धा। ये है दोस्तों, धा कैसे बजाएंगे। अब धा बजाने के लिए देखिए, ता के साथ इधर बेस, सभी फिंगर्स को ऐसे रखना है और ये आघात करना है घ, ये आघात करेंगे घ, ता के साथ घ मिलाकर बजाएंगे तो बन गया धा। बोल है टे टे ता ता, टे टे ता ता, टे टे ता ता, धा धा। टे टे ता ता, टे टे ता ता, टे टे ता ता, धा धा। फिर पैटर्न आ जाएगा टे टे ता ता, टे टे ता ता, टे टे ता ता, धा धा। यह हमारी उठान हो गई कहरवा ताल की। अब जो कहरवा ताल का पैटर्न है वो आप सीखिए। यह भी दोस्तों वर्ल्ड फेमस पैटर्न है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको सिंपल तरीके से इसको बजाने का तरीका बताऊँगा। कहरवा ताल का उठान आप समझ ही गए हैं। अब पैटर्न देखिए, पैटर्न के बोल घे न ता ता न धा ता। यह दोस्तों प्रकार है।
और बहुत पॉपुलर कहरवा ताल का पैटर्न है, सभी जगह बज जाएगा ये। भजन कीर्तन में, भजन संध्या, सुंदरकांड, अखंड रामायण, तो जितने भी डिवोशनल प्रोग्राम्स होते हैं सभी प्रकार के प्रोग्राम्स में इस पैटर्न को बजा सकते हैं दोस्तों। अब घे न ताता कैसे बजाएंगे, घे न, घे बजाएंगे अकेला, जैसे मैंने बताया आपको घे घ, ये घ हो गया, तो इसमें घे न ताता। अब हम शुरुआत में घिस्सा लगाएंगे, घे न ताता, घे न, ये फिंगर से हम इधर सियाही के बॉर्डर पर न न बजाएंगे, ये वाली फिंगर न, तो घे न ताता, ताता आपको पता ही लग गया, ता ता किनार पर, घे पर हम घिस्सा लगा रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, जैसे घ आपने बजाया था ऐसे ही ये स्लाइड करते हुए बजाना है घे, तो घे घे न ता ता, स्लाइड करते हुए बजाएंगे हम घे न ता ता न धा ता, बिल्कुल सिंपल है, बोल है घे न ता ता न धा, तो इसमें घे न ता ता न धा ता, घे न ता ता न धा ता, घे न ता ता न धा ता, ये है दोस्तों। अब इसमें हम बेस का यूज करेंगे, जैसे हम बजा रहे हैं घे न ता ता न, न पर हम बेस लगा रहे हैं ये दोस्तों, ये फर्स्ट फिंगर से न, तो घे न ता ता न, न के साथ बेस का यूज करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है पैटर्न, ये सुनने में थोड़ा भराव इसमें आता है, घे न ता ता न धा ता, घे न ता ता न, एक साथ पढ़ना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए या अलग अलग जा रहा है, ये ना हो, एक साथ जाए, घे न ता ता न धा ता, घे न ता ता न धा ता। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप अपने घर बैठे इसको दोस्तों सीख सकते हैं, और बहुत पॉपुलर कहरवा है, इसको आप बजाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और सभी सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आता है जब इसको संगत करते हैं, स्लो स्पीड में, मीडियम स्पीड में, फास्ट स्पीड में, स्लो मीडियम एंड फास्ट, बड़ी सरलता से आप इसको बजा सकते हैं। घे न ता ता न धा ता, 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 यह प्रकार हो गया। और जो मैं तिहाई आपको बताने वाला हूँ वो तिट धात्र किट धात्र किट था, ये तिहाई मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज जो बताऊँगा तिट धात धातिता, ये दोस्तों तिहाई मैं आपको बताऊँगा, तो तिहाई क्या है, तेटे धातित धातिता, ये है दोस्तों, तेटे आपको बजाना ही गया है, फर्स्ट फिंगर से ते, ये दो फिंगर से टे, तो तेटे धा ति, फर्स्ट फिंगर से ही किनार पर, ये साउंड आपको निकालना है, बंद करना है साउंड को, तित, ये दोस्तों तित का साउंड है तित, तो तेटे धातित धातित ता, ये है दोस्तों, ता हम बजाएंगे क के साथ, ता थोड़ा सा लाउड बजाना है, तेटे धातित धातित ता, बिल्कुल सिंपल किया, ये कोई मुश्किल नहीं है, तेटे धातित धातित ता। मैंने और भी कहरवा ताल के बहुत सारे पैटर्न बताए हुए हैं, फास्ट कहरवा ताल कैसे बजेगा, दुगन का कहरवा ताल, ढोलक के भी लेसन्स हैं, और तबले में तीन ताल, एक ताल, रूपक ताल, दादरा, काफ़ी सारे लग्गियाँ, इनके भी लेसन्स दोस्तों अपलोड किए गए हैं, तो आप सभी लेसन्स को देखें, मैं आशा करता हूँ आपको उन सभी लेसन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, तो आप सभी वीडियोस को ज़रूर देखें, ये उठान, पैटर्न और तिहाई, इनको जो आप अभ्यास करेंगे दोस्तों, कम स्पीड में रियाज करें, फिर धीरे धीरे आप इसकी लय बढ़ा सकते हैं, आप बड़ी सरलता से इसको कर लेंगे, और सारे लेसन्स ज़रूर देखें ताकि आपको उनसे बहुत लाभ मिलेगा, आप अपने लाइव प्रोग्राम्स कर सकते हैं, बड़ी सरलता से आप अपने प्रोग्राम्स में बजा सकते हैं, तो आप हमारे चैनल के सारी वीडियोस देखें, आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।